सो डियर स्टूडेंट्स, इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी स्मॉल टॉपिक ऑफ जेंडर. ओके, सो नाउ इन दिस क्लास वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑफ दिस टॉपिक. सो लिसन टू मी केयरफुली. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द टॉपिक टाइप ऑफ जेंडर. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ समवन आस्क यू व्हाट इज जेंडर, इसको मेरे बच्चों आप हिंदी में बोल सकते हैं सेक्स और लिंग, यानी वी हैव टू आइडेंटिफाई द जेंडर. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ लाइक दैट कि वॉट इज दिस, दिस इज द टाइप ऑफ जेंडर. इट मीन्स लाइक देर आर फोर काइंड. फर्स्ट इज मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर. द पॉइंट इज दैट माई डियर स्टूडेंट दैट वॉट इज जेंडर. इन सिंपल मैनर वी कैन से दैट दैट टू आइडेंटिफाई अबाउट ऑफ अ पीपल दैट इज नोन एज जेंडर. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस इज अ, यू हैव टू आइडेंटिफाई हु इज गर्ल एंड हु इज बॉय. टेल मी द आंसर, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स. हु इज गर्ल इन दिस पिक्चर, हु इज बॉय एंड हु इज गर्ल. टेल मी, हेयर देर आर टू टेल्स. सो दिस इज लाइक, लुक लाइक अ गर्ल. सो लिसन टू मी केयरफुली. प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये कौन है, गर्ल यानी लड़की है, और ये कौन है, बॉय यानी कि लड़का है. तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, उसी को हम बोलते हैं जेंडर, यानी जिससे हमें किसी के लिंग यानी कि उस व्यक्ति की जाति के बारे में पता चले कि ये लड़का है कि लड़की है, उसको आइडेंटिफाई करें, उसको क्या बोलते हैं, जेंडर. कैसे बेटा, सुनो, जैसे मैंने कहा फर्स्ट कौन सा है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर. मैस्कुलाइन इट मीन्स जो हमें बताए कि ये व्यक्ति कौन है, मेल है यानी मैन है यानी कि पुरुष है. ठीक है, एग्जाम्पल्स आर हैव बीन टिविंग हेयर, लिसन टू मी. लाइक मैस्कुलाइन, हेयर इज पुरुष. ओके, पुरुष यानी जो व्यक्ति हो, जो पुरुष हो. सो लिसन टू मी. अच्छा, मैंने कहा मेल, मेल यानी कौन होता है, लड़का, आदमी या औरत. मेल यानी आदमी और मैन यानी आदमी. चाहे मैन हो, चाहे मेल हो, चाहे बॉय मीन्स लड़का, चाहे डॉग, चाहे ऑक्स, ये सब कैसे हैं मेरे बच्चों, मैस्कुलाइन यानी पुरलिंग. दूसरा कौन सा है, स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन. जैसे मैंने कहा फीमेल, वीमन, गर्ल, काउ, कैट, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग यानी ये बताते हैं लेडीज़ के बारे में या फिर महिलाओं के बारे में. ओके, एंड अनदर इज कॉमन जेंडर. वॉट इज दिस कॉमन जेंडर, मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ये रहता है कि हम पहचान नहीं पाते हैं कि लड़का है कि लड़की है, दोनों हो सकते हैं. जैसे फ्रेंड, आपका फ्रेंड लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है. ओके, स्टूडेंट गर्ल्स भी हो सकती है और बॉयज भी हो सकते हैं. डॉक्टर सर लेडीज़ भी हो सकती हैं, यानी मैन भी हो सकता है और वुमेन भी डॉक्टर हो सकती है. टीचर, स्कूल में मैडम पढ़ाती है ना बेटा, तो मैडम भी टीचर हो सकती है और सर भी टीचर हो सकते हैं. ओके बेटा, न्यूटर क्या होता है, न्यूटर यानी नॉन लिविंग. ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं जो कैसी हैं, नॉन लिविंग, दैट इज नॉन एज न्यूटर जेंडर. इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट सर जो भी चीज़ कैसी है, निर्जीव है, वो क्या होता है, न्यूटर जेंडर. मेरे प्यारे बच्चों, ये मार्कर लिविंग है कि नॉन लिविंग है, क्या है, ये की, ये चाबी लिविंग है कि नॉन लिविंग, ये बोर्ड लिविंग है कि नॉन लिविंग, ये टेबल या स्टूल लिविंग है कि नॉन लिविंग. तो जो भी चीज नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग यानी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं करती है, ओके, वो होता है न्यूटर जेंडर. तो मेरे बच्चों बताओ, पेन, चेयर, कप या फिर टेबल, क्या ये बेटा लिविंग है कि नॉन लिविंग, तो ये कौन सा जेंडर है, कौन सा. अच्छा बेटा, स्टैंड अप, स्टैंड अप, ही इज गर्ल और बॉय, कौन है ये, अगर ये बॉय है तो कौन से जेंडर में आएगा, कौन सा, ये लड़की, बैठो बेटा बैठो प्लीज, स्टैंड अप, ये लड़का है या लड़की, अगर ये गर्ल है तो कौन से जेंडर में आएगी, किसमें, फेमिनाइन, किसमें, फेमिनाइन में. अच्छा,
अब मैं इस बच्ची के बारे में बताता हूँ, अगर इसका फ्रेंड लड़की भी है और लड़का भी है, यानी फ्रेंड इसका कोई भी हो सकता है, तो इसका फ्रेंड आएगा कॉमन जेंडर में। ओके, इसका ये चश्मा है वो कौन से जेंडर में आएगा, न्यूटर में या फिर मैस्कुलाइन में, क्योंकि चश्मा कैसा है, नॉन लिविंग। ओके बेटा सिट डाउन। सो बेटा चारों चीज़ें समझे, एक बार एक्सप्लेन करूं, टाइप ऑफ जेंडर कितने हैं बेटा, फर्स्ट कौन सा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ओके देर आर फोर जेंडर। भारत माता की जय। बंदे बंदे, इट्स ओके बेटा, इट्स ओवर, फिनिश।